नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रही। तो चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दी ईपीएस 95 पेंशन मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक बढ़ रही है प्रतीक्षा। जी हां फ्रेंड्स, 18/1/2021 प्रिय ईपीएस 95 पेंशनर्स मित्र, सभी के लिए शुभकामनाएं। शुरुआत में लंबे समय से प्रतीक्षित मामले को आज सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया और अगले सोमवार 25/1/2021 तक के लिए टाल दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मामले की सुनवाई एक नई बेंच करेगी, न्यायाधीशों में बदलाव भी बताया। जी हाँ फ्रेंड्स, मामलों को उपायुक्त बेंच में पोस्ट किया जाएगा। न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति श्री अनिरुद्ध बोस के साथ एक अन्य न्यायाधीश हमारे मामले की सुनवाई करेंगे। न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना, जिन्होंने 1/4/2019 को SLP को खारिज कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने 20 जनवरी की सुनवाई में भाग लिया और बताया कि EPFO ने पूरी पीठ द्वारा सुनवाई के लिए केरला हाईकोर्ट में एक केस की जांच की है। EPFO के अल्पनामे में कोर्ट ने पूरी तरह से गलत जानकारी देकर गुमराह किया, जैसे कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोकती में केरल उच्च न्यायालय भी हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, श्री सुंदरम अय्यर इस बारे में सभी प्रतियोगी अधिवक्ताओं को शिक्षित करते हैं। मोलेडी द्वारा दायर 2 SLP, एक सुनील कुमार के खिलाफ और दूसरा BKNK संघ के खिलाफ EPFO द्वारा खारिज की गई समीक्षा याचिका 46+2 नया WPS रिट पिटिशन और फोर्थ नंबर है नए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए एक स्टे याचिका और दूसरा आइए। तो फ्रेंड्स, ये मामले सुप्रीम कोर्ट में 25/1/2021 को सोमवार सुनवाई के लिए लंबित हैं। आज का घटनाक्रम सभी को जानकारी के लिए पोस्ट किया गया, हमें सबसे अच्छी उम्मीद है। जी मुर्गेन, अध्यक्ष JSC। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।